कश्मीर लाइफ के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाजरीन। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से एक अहम नोटिफिकेशन आई है टाइमिंग्स को लेकर, जो स्कूल टाइमिंग्स है वो चेंज हो रही है हमारे यहाँ कश्मीर डिवीजन में। उसमें उन्होंने जिक्र किया है जो श्रीनगर म्यूनिसपैलिटी हदूद के तहत आते हैं उनकी जो स्कूल टाइमिंग है जो चेंज हुई है वो सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक रहेगी, यानी 10 AM से लेकर 3 PM तक। तमाम गवर्नमेंट हो, प्राइवेट स्कूल्स हो, तमाम इदारों के लिए ऐसा कहा गया है। श्रीनगर म्यूनिसपैलिटी हदूद के तहत जो आते हैं उनके लिए जो स्कूल टाइमिंग्स है वो 10 से लेकर 3 बजे तक है। इसी तरह से वो स्कूल्स गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के पेरिफ्रीज में आते हैं, हम ये कह सकते हैं कि म्यूनिसपैलिटी हदूद के बाहर आते हैं, तो उनके लिए ये कहा गया है कि उनकी जो स्कूल टाइमिंग्स है वो सुबह 10:30 से लेकर 3:30 बजे तक है, यानी 10:30 AM से लेकर 3:30 PM तक। और इसका इतलाक 1 नवंबर से हो रहा है, 1 नवंबर से इसका इतलाक होगा तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में हमारे यहाँ कश्मीर डिवीजन में, इस तरह से कहना है डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर का। चूंकि इससे कबल जो हमने न्यूज अपलोड की थी तो इस पर कई सारे पेरेंट्स जो है उन्होंने मैसेजेस की थी, उन्होंने कमेंट्स किए थे और वो कह रहे थे कि क्या इसका इतलाक हमारे यहाँ यानी श्रीनगर म्यूनिसपैलिटी हदूद के बाहर होगा, क्या वाकई पे होगा। तो हमने उनसे कहा कि जिस तरह की नोटिफिकेशन आई है वो तो हमने उन तक पहुंचा दी, जो कहा गया है कि सुबह 10:30 से लेकर 3:30 बजे तक इस तरह की स्कूल टाइमिंग्स रहेंगी, लेकिन उनका ये कहना था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे बच्चों को मजबूर किया जाता है कि वो सुबह जल्दी से तैयार हो जाए और फिर वो बाहर इंतजार कर रहे होते हैं कि बस का। और हमने भी, आपने भी गालिबन ये देखा होगा कि विंटर्स में किस तरह से जब बसेस, स्कूल बसेस चल रही होती है सड़कों पे, तो 8 बजे ही बच्चे गाड़ी में बैठे होते हैं, ख्वाह वो छोटे हो बड़े हो, तो वो सारे बच्चे बैठे होते हैं 8 बजे ही गाड़ी में। तो इस तरह का जो कहा गया है, ये ऑर्डर जारी किया गया है जहां स्कूल टाइमिंग्स के हवाले से बात की गई है और कहा गया है कि स्कूल टाइमिंग्स अब चेंज हो रही है, क्या वाकई तौर पर चेंज होंगी? क्योंकि मौसम सरमा का आगाज है और मौसम के सरमा के आगाज में ही टाइमिंग्स चेंज होती है हमारे यहाँ स्कूल में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। लेकिन फिर जो एप्लीकेशन है, जो इसका इतलाक है वो 1 नवंबर से तो हो रहा है, लेकिन फिर बजाहिर हमें इस तरह की सिचुएशन कुछ नजर नहीं आती हमारे यहाँ स्कूल में। और स्कूल्स फिर कुछ इस तरह से भी कहते हैं कि जी ट्रैफिक जैम होता है, या बाज दफा ये भी कहते हैं स्कूल्स के हमने जो टाइमिंग रखी है जो 10:30 बजे या 10 बजे इनको पहुंचना है, तो इनको घरों से तो पहले निकलना है। कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो दूर दराज इलाके से ताल्लुक रखता है, यूं माने श्रीनगर में ही है, लेकिन जो उसे पहुंचना होता है तो 1 घंटे का सफर होता है, इसलिए हमें पहले ही गाड़ियां निकालनी पड़ती है, इसलिए पहले ही बच्चों को तैयार रखना होता है, लेकिन ये कोई रीजन नहीं है। वालिदैन भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से इस तरह के नोटिफिकेशन आती तो है, लेकिन फिर ये देखना जरूरी है, लाजमी है कि क्या सच में स्कूल इस पर अमल करते हैं या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।